जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे को एक अमेजोन से टूल किट का सेट ले ऑर्डर किया मैंने, मैंने खोला हुआ है पहले से। ये हमारे पास MRP 2999 बता रहे, पर इतनी है नहीं MRP। इसको मैंने यहाँ से खोला हुआ है। क्या बात है, इस पे ये भी दिया हुआ है कैशबैक ऑफर। ये है हमारी टूल किट, ये आप देख सकते हैं इसको। एक ये साइड है और एक ये साइड। ये हमारे पास बिट्स का साइज है, जितने भी हमने स्क्रूज खोलने। ये हमारे पास टूल किट और ये है। सबसे पहले तो हम देखते पहले, एकदम प्रॉपर पैकिंग है, कोई भी बिट वगैरह निकल नहीं रहा। ये देखो यहाँ पे शेक हो रहा है, ये यहाँ पे शेक बस। सबसे पहले हम इसे खोलते हैं। ये है टूल किट। ओके, ऐसे ही है। इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि ऐसे पुशिंग वाली ऑप्शन नहीं है, प्लस इसमें ये ऑप्शन भी ऐसे जब स्क्रू टाइट वगैरह करना है या लूज ज़्यादा टाइट स्क्रू को खोलना हो तो। ये रोटेटिंग है, यहाँ से यहाँ पे रख के ऐसे चल सकता है। एक ये है हमारे पास सेकंड वाली है, इसको हमने यहाँ पे लगाना और यहाँ से होल्ड करके इसे रोटेट करना है। ये आगे से रोटेट होगा, इस पर हम ये भी लगा सकते एक्सटेंडर। ये कोई स्क्रू बैंड वगैरह होता जहाँ पे टूल किट नहीं इंस्टॉल लगती, तो वहाँ पे ऐसे रख के हम इसे स्क्रू को खोल सकते, टेढ़ी जगह में से ऐसे खोला जा सकता है जहाँ पे डायरेक्टली टूल किट नहीं जाती। और ये हमारे पास एक ट्वीज़र, अच्छी है ग्रिप, ट्वीज़र की ग्रिप भी अच्छी है। और एक ये हमारे पास एक ओपनर, एक ये ओपनर है, प्लास्टिक के दो ओपनर से, एक की थिकनेस आगे से लंबी है और एक की थोड़ी सी छोटी है। मीन्स ये लैपटॉप वगैरह ओपन कर सकते हैं, और जो ये है ये मोबाइल के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक ये है हमारे पास, और जी सबसे पहले इसे ही देखते हैं। ओके, इसके आगे भी ऐसा लग सकता है एल की वगैरह खोलने के लिए, ठीक है। सभी को देते हैं रख यहाँ पे। ओके, एक ये भी है जो मोबाइल की स्क्रीन वगैरह ओपन करने के लिए, प्लस ये मोबाइल की सिम निकालने के लिए। जो ये साइड में नीचे जो बॉक्स बने हैं इनमें हम स्क्रूज भी रख सकते हैं। इसे करते हैं बंद, दूसरी साइड में देखते हैं। ये हमारे पास बिट्टे हैं, सभी तरह के बिट्टे। ये एप्पल की बिट्टे भी जो आजकल आती है, एप्पल में अंदर पिन वाली बिट होती है अगर आप देखें तो। बीच में एक पॉइंट सी होती है ये वाली बिट। सभी टाइप की, साइज भी छोटा है इनमें, ये देखिए। प्लस ये है हमारे पास रोटेटर, माइनस प्लस जो नॉर्मल है, स्टार भी इसमें आया हुआ, डिफर स्टार है ये। HP के मॉडल्स होते हैं उनमें ऐसे खुलते हैं। प्लस ये हमारे पास जो होती है जिसे हम गोटी वगैरह बोल देते हैं, उस टाइप के भी हमारे पास खोलने के लिए। इसमें चेक करते मैग्नेट वगैरह है कि नहीं। एक ये दो बॉक्सेस है, इसमें हमारे पास हम स्क्रूज भी रख सकते हैं और ये ऐसे मैग्नेट अगर हमने जैसे एक बिट यूज़ कर रहे, दूसरा हमने यूज़ करना है, इसे स्टैंड पर ऐसे लगा सकते हैं हम बिट को। एक चीज का है इसमें, यहाँ पे जैसे ये नहीं निकलना चाहिए, इसमें पुश बटन नहीं है हमारे पास, बस ऐसे। सबसे बेस्ट है मैं 2999
एकदम लाइट है और रोटेट करने के लिए बहुत आसान है। ऐसे हम एक टाइम पे अलग अलग निकाल के यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, इसमें हम स्क्रूज वगैरह भी लगा के रख सकते हैं। और एक ये हमारे पास ओपनर और एक ये दो ओपनर और है हमारे पास। ये है, ये भी लैपटॉप ओपन कर सकते हैं या स्क्रीन वगैरह ओपन करने के लिए। एक को ऐसे लगा के दूसरे को मोबाइल को ओपन करना तो उसे भी ओपन कर सकते हैं ऐसे, एक साइड में फंसा के रख सकते हैं ऐसे। और जो ये बॉक्स है इसमें हम स्क्रूज भी रख सकते हैं। ये मैंने पहले बॉक्स रखी थी जिसमें स्क्रू रखे हुए थे, ये आप देख सकते हैं ये स्क्रू है। ओके, ये मैग्नेटिक है, ये एक मैग्नेटिक टूल है, देखिए स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना मैग्नेट पर फिलहाल मैग्नेटिक है। देखिए यहाँ से इस पे वैसे मेंशन किया हुआ है कि ये मैग्नेटिक है और मैग्नेटाइज, ये डी मैग्नेटाइज दिया हुआ है। यहाँ से जो हम कर देंगे तो ये डी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज है। स्क्रूज यहाँ भी रख सकते हैं, अच्छी टूल किट है। पहले जो मैं टूल किट यूज करता था वो फिलहाल ये वाली टूल किट थी। इसमें क्या था, ऐसे पुश बटन था, ये डैमेज हो चुकी थी तो मैंने ऐसे कोरियर आने को 2 दिन का टाइम था तब तक मैंने इसे यूज़ किया। ये भी काफ़ी अच्छी टूल किट थी। इसमें क्या, इसकी जो ये लेंथ है ये काफ़ी है। इससे मैं देखता हूँ अगर ये लग जाए यहाँ पे, ये भी सेम साइज़ की है, ऑब्वियसली ये यहाँ लग जाएगी। बस हमें यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा। तो ये साइड, ये जो टूल किट है ये भी यूज़ में लिया जा सकता है। इसके साथ मुझे ये मैगनेट लगाना पड़ता था क्योंकि इसमें कोई मैगनेट नहीं था इस वाले टूल किट में। ये ऑब्वियसली पूरी डैमेज हो चुकी है। चलो, जब तक भी यूज़ किया काफ़ी अच्छा यूज़ था इसका। और इसके लिए मुझे साथ में एक ओपनर का सेट भी लेना पड़ा, ऐसे ओपनर्स थे मेरे पास। ये ओपनर था एक, ये सब मुझे अलग अलग परचेज करना पड़ा था। और ये ट्वीज़र, ये भी अलग परचेज करनी पड़ी थी, पर इसमें सब कुछ है मेरे पास, सारा कुछ बीच ही में है। इसमें एक बेनिफिट है, बॉक्स में ना बिग रहा है ना कुछ हो रहा है। इसमें ऐसे रख के देखे जा सकते, इसमें क्या था सब अलग था। ये ट्वीजर्स अलग, ये ट्वीजर अलग थी और ये जो ओपनर्स थे ये अलग है। और इसमें जो ये टूल किट अलग थी, इसमें मैग्नेट नहीं था। तो जब तक भी था बहुत बेस्ट था। ये भी आने वाले टाइम के साथ मैंने चेंज किया। इसमें बिटेस काफ़ी मिल जाती थी मेरे को, जो मेरा पहला था उसमें इतनी बिटेस नहीं थी, उसमें बस इतनी बिटेस थी हमारे पास, 14 के आसपास बिटेस थी, 14 सॉरी। ये भी है और ये भी है हमारे पास बिट, आगे पीछे बिट्स होती है। अब ये ही मेरी यूज़ हो जाएगी, अगर मैं इसी को बीच में काट लूँ तो ये बिट मेरी स्टोरेज किट में इंस्टॉल हो जाएगी, ये यूज़ हो जाएगी। सबसे बेस्ट वैसे ये आगे, ये चीप एंड बेस्ट है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है। इससे अगर थोड़ा कॉस्टली में जाओ उसमें और ऑप्शंस मिल जाती है, पर इतनी ऑप्शंस की मुझे ज़रूरत नहीं थी नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए। प्लस मेरा लैपटॉप और मोबाइल का काम होता तो उसमें ये सब यूज़ हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोज़ के लिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली। थैंक यू।